पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद बस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 37 हो गई। हादसा कल उस वक्त हुआ जब यात्रियों से भरी बस बैरम नदी पर बने पुल से गुजर रही थी। बस की रफ्तार काफी तेज थी, इसी दौरान सामने से दूसरी गाड़ी आ गई, जिसके बाद ड्राइवर ने बस से नियंत्रण खो दिया और बस पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। अभी तक 37 शव निकाल लिए गए हैं। बस जोमकल से बहरामपुर जा रही थी, 7 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। लोगों का आरोप है कि रेस्क्यू के लिए गोताखोरों को वक्त पर नहीं बुलाया गया। नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया और पुलिस पर पत्थरबाजी की। उन्होंने पुलिस की गाड़ी को आग भी लगा दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। घटना में गंभीर रूप से घायल लोगों को 1-1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे।